नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है केयर फॉर ऑल हेल्थ एंड फिटनेस पे। मैं अभिषेक चौहान। आज मैं बात करूंगा ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि मेंस के लिए जरूरी है, सबके लिए ज़रूरी है, बट बात करेंगे हम स्ट्रेंथ स्टेमिना के बारे में। तो वो लोग जो जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, उनके लिए भी स्ट्रेंथ स्टेमिना बहुत ज़रूरी है। टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वीकनेस रहते हैं उनके सेक्सुअल लाइफ को लेकर। तो इस वीडियो में एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आओ जो कि ओवरऑल मैन की हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करता है, अच्छे से रखता है, वो है वज्रशिला टेबलेट। और आप देख सकते हैं इस तरह की आती है। और मैंने भी अपने चैनल पे काफ़ी जड़ी बूटियों की वीडियो बनी है जो कि पुरुषों के लिए, मेंस के लिए रहती है, जैसे कि अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, शुद्ध कोच के बीज, शिलाजीत। ये सारी एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कि आपकी बॉडी के स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, स्टेमिना बढ़ाती है, आपकी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाती है। जी हाँ, टेस्टोस्टेरोन, वी नो मेंस लव टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि एक बच्चे से आदमी जब बनता है, एक साल का, एक दिन का बच्चा रहता है, उससे जब 30 दिन का, 30 साल का, 60 साल का, 90 साल का, जो भी जब ग्रो होती है वो करता है आपका हार्मोन्स, वो है टेस्टोस्टेरोन। तो बताते ना मैन कैसे बनते हैं। आपकी जो आवाज़ है, वो जो एक मर्द की आवाज़ होती है, दाढ़ी रहती है, चेहरे पे जो एक्सप्रेशन आता है, वो सब टेस्टोस्टेरोन के कारण आता है। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा है तो आपको स्ट्रेंथ स्टेमिना डेफिनेटली अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ आप जानते हैं टेस्टोस्टेरोन लेवल से मसल्स ग्रो भी होती है, जैसे कि मैंने बताया ग्रोथ के लिए काम आता है। तो वो लोग जो कि जिम जाते हैं, सब कुछ खाते हैं, फिर भी उनकी बॉडी की ग्रो नहीं होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो सकता है। इसलिए आपकी बॉडी के ग्रो के लिए, बॉडी मसल्स के ग्रो के लिए टेस्टोस्टेरोन बहुत ही ज़रूरी है। उसके साथ साथ वो लोग जो कि अपनी सेक्सुअल लाइफ बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाते, उनके लिए भी हम जानते हैं टेस्टोस्टेरोन लेवल स्ट्रांग होना ज़रूरी है। लो स्पर्म काउंट होता है तो उसके कारण फिर दिक्कत आती है, बच्चे वगैरह नहीं हो पाते तो वो प्रॉब्लम भी आती है। उसके साथ साथ वाइगर और वाइटलिटी बहुत ही कम रहती है, तो नाइट में कई लोगों को, लड़कों को प्रॉब्लम आती है। तो उन सभी के लिए काम आती है और उसके लिए यही है जड़ी बूटी। इसके अलावा दुनिया में कोई इलाज नहीं है। जड़ी बूटी, जैसे कि मैंने बताया, ये सारी जड़ी बूटी यही काम करती है। इसके साथ साथ बहुत सारी जड़ी बूटियाँ दूसरी भी जो इनके साथ लेना पड़ती, इसलिए जो वज्रशिला है उसके अंदर जो जड़ी बूटी आप देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली और शुद्ध कोच के बीच और शिलाजीत, ये 5 तरह की जड़ी बूटी जो मेन होती है वो तो इसमें है ही। उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट बबुल गोंद, गोंद जो रहता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपकी वाइगर और वाइटिलिटी के लिए। उसके साथ साथ आंवला भी बहुत ज़रूरी है, स्वर्ण जो भंग है वो भी बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ आप देख सकते हो शुद्ध गुग्गल, ये भी बहुत ज़रूरी होती है। तो ओवरऑल देखें तो ये सारी चीज़ें ये बहुत ही ज़रूरी है आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ स्टेमिना के लिए। तो अब बात करें कि इससे फ़ायदा होता है कि नहीं, डेफिनेटली होता है। लेकिन आपको बता दूँ, इसको 1 दिन 2 दिन 10 दिन यूज़ करने से फ़ायदा नहीं होता है, इसको रेगुलर आपको करना पड़ेगा, कम से कम 2 से 3 महीने, तभी जाके फ़ायदा होगा। कोई भी जड़ी बूटी हो, दुनिया की नेचुरल चीज़ है, आपकी बॉडी हैबिचुअल होती है तभी करती है। ये कोई दवाई नहीं कि लिया और बस फ़ायदा हो गया, ऐसा नहीं है। दुनिया में कोई भी नेचुरल चीज़ एक दिन में फ़ायदा नहीं करती है, आपकी बॉडी धीरे धीरे उससे हैबिचुअल होती है और तभी उससे फ़ायदा होता है। वो लोग जो रेगुलर जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, उनकी बॉडी ग्रो नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली वो इसे ले सकते हैं और लेना ही चाहिए उनकी इस बॉडी के टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने के लिए। और टेस्टोस्टेरोन तो बढ़ेगा तो आपकी सारी जो चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करें, रात में सोते समय, इसमें सुबह और शाम का लिखा है, बट जनरली जो जितने भी जड़ी बूटी है ये सब रात को सोते समय लेना चाहिए। आप सुबह भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं जब जिम जाता था, वर्कआउट करता था, तो मैं किस तरह से लेता था, अश्वगंधा, शतावर, शुद्ध कोच के बीज, ये सारी जो चीज़ें, इस तरह की चीज़ें रात में 1 गिलास दूध के साथ मैं इसे लेता था, 2 टेबलेट। आप अगर जिम जाते हैं तो भी आप रात को ले सकते हो, और अगर आप फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, अगर आपको इससे नहीं, तो धीरे धीरे 1 टेबलेट से चालू करें, 15 दिन बाद 2 लीजिए, धीरे धीरे कम से कम 3 महीने तक इसका कोर्स करें, डेफिनेटली फ़ायदा होगा सभी को। तो आप देख रहे हैं इस तरह की आती है वज्रशिला टैबलेट, यहाँ पर लिखा है एनहेंस विद शुद्ध शिलाजीत फॉर मेन, हेल्प टू बूस्ट टेस्टोस्टेरोन लेवल, हेल्प टू इंक्रीज स्पर्म काउंट, बूस्ट स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना, इंक्रीज वाइगर एंड वाइटिलिटी। ओवरऑल देखो तो केवल हमको एक ही चीज़ बढ़ानी पड़ती है, वो है अच्छा टेस्टोस्टेरोन लेवल, स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा है, डाइट अच्छी है और स्ट्रेंथ और स्टेमिना बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली आपका स्पर्म काउंट, वाइगर और वाइटिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। बात करें इसके इंग्रेडिएंट की, तो जैसे कि मैंने बताया इसके इंग्रेडिएंट तो 500 mg का एक टेबलेट है, जिसके अंदर ये सारे इंग्रेडिएंट और मेन इंग्रेडिएंट अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, शुद्ध कोच के बीच, शतावर और आंवला और उसके साथ साथ बबुल गोंद, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिली है। जैसे कि मैंने बताया, इसके अंदर जो लेने का तरीका वो ऐसे 1 से 2 टेबलेट लिखा है,
दूध के साथ अथवा चिकित्सक परामर्श के अनुसार, बट आप इसको रात को ही लेंगे, रात को लेंगे तो ही फ़ायदा होगा। और ये थोड़ी गर्म रहती है, इसकी तासीर गर्म रहती है, तो प्लीज़ इसको दूध के साथ ही ले। तो अगर आपको प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में सेक्सुअलिटी को लेकर, उसके साथ साथ आपकी बॉडी के ग्रो को लेकर, आपकी मसल्स को लेकर, एनर्जी कम है, लो टेस्टोस्टेरोन है, कमज़ोर लगती है, तो डेफिनेटली आप इसको यूज़ करें। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से जाके आप अच्छे डिस्काउंट के साथ इसके ले सकते हैं। रेगुलर आप इसको ले, इसका पूरा कोर्स करें, 2 से 3 महीने का डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, वो लोग जिनको इनको ज़रूरत है उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वाली वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।